खालिद भाई, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा वालेकुम अस्सलाम। सल्लि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनिअमतिही तुतिम्मु सालिहात, ऑल प्रेजेस टू अल्लाह फ्रॉम होम गुड थिंग्स आर अकम्प्लिश्ड। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। आपका बैकग्राउंड मेरे पास है, मैं देख रहा हूँ उसको। माशाल्लाह अच्छा बैकग्राउंड है। आप वही है जिन्होंने CSSP पास भी किया था माशाल्लाह। और मतलब कि मैं आपके बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, बैकग्राउंड माशाल्लाह बड़ा फिनोमिनल है, सब सही है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप जा रहे हैं एक कंपनी में अप्लाई करने के लिए, और ये कंपनी जो है मिडल ईस्ट में है, तो हम उसकी जॉब के ऊपर बात करते हैं। नाउ एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए। इसको जरा एक दो फाइल्स बंद कर दूंगा ताकि आपको सही तरह पता चले। एक बात याद रखिएगा कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बिस्मिल्लाह, ओके, हाँ, वो ये है कि सिक्योरिटी 101 का जो कोर्स है ना वो, और सिक्योरिटी 101 के कोर्स से पहले जो NIST का जो कोर्स है ना, NIST एंड ISO का जो कनेक्शन का जो कोर्स है, राइट, पोर्टल से, वो अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लेना। बिकॉज वहां पर स्केडा की दुनिया में कहीं पर कोई भी इंडस्ट्री हो, दे नीड टू फॉलो स्केडा 27019 और जो है क्या नाम है, और जो NIST की डॉक्यूमेंटेशन है। बिकॉज NIST ने दुनिया में सबसे ज्यादा काम किया है, क्योंकि NIST जो है अमेरिका में है, और उनकी सारी रिलायंस ही जो है बेसिकली वो इसके ऊपर बनती है, उनकी अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, और इसलिए तो वो उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं बड़े फिनोमिनल हैं उसमें तमाम चीज़ें हैं। अगर किसी ने भी उस स्टैंडर्ड को अच्छी तरह पढ़ा हो, तो चाहे वो सिस्को पे काम करे या माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर टेक्नोलॉजीज पे काम करे, किसी चीज़ के ऊपर भी हो, आर्किटेक्चर किसी चीज़ का भी बना हो, इवन ओपन सोर्स का बना हुआ हो, उसको जो बनाने का तरीका है वो सब चीज़ें वही हैं। तो उसमें जंप बॉक्स है, वो तमाम चीज़ें हैं। आपको पता है जंप बॉक्स के किसे कहते हैं? नहीं, मुझे इसके बारे में। जंप बॉक्स ये होता है कि आपने अपने अपने नेटवर्क के अंदर एक ऐसा मैनेजमेंट नेटवर्क बनाया है कि जहां से आप तमाम सबनेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तमाम नेटवर्क्स के आईपीस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एलिवेटेड सुपर वी लैन होता है, समझे, ठीक है। और आमतौर पर जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो वहां बैठते हैं, ताकि वो सीम वहां पर रिलाई करता है, फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग सोल्यूशन वहां बैठती है, तमाम चीजें जो आपकी होंगी ना वो वहीं पर ही बैठेंगी, राइट। Is it different from the management VLAN? बस समझे, हाँ, management VLAN है, लेकिन उसका फर्क ये है jump box का कि जब आप उसके अंदर आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप management VLAN को कहीं से भी एक्सेस कर लें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर आपने जैसे आप घर से काम कर रहे हैं और आपने कहा मुझे जाना है management VLAN में जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? अपने लैपटॉप से जाएंगे, लैपटॉप से VPN के जरिए जाएंगे, राइट। मगर अगर आप डायरेक्टली मैनेजमेंट लाइन से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम, दैट्स अ सिक्योरिटी वायलेशन। बिकॉज अगर आपका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हुआ तो कोई भी अंदर जाके बैठ सकता है, तो मैनेज, बिल्कुल, बिकॉज वो इट्स पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट VLAN, अगर वो VPN से भी कनेक्ट हो। तो आप क्या करते हैं, आप एक सर्वर, एक ना लोड बैलेंस, 4 या 5 सर्वर बनाते हैं, जो RDP लोड बैलेंस होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, वो क्लाउड पे भी हो सकते हैं, डेटा सेंटर में, जहां पर भी आपने रखना है, इट डजंट मैटर, आर्किटेक्चर वही रहेगा, चाहे आप उसको क्लाउड में ले जाओ या आप उसको फिजिकल डेटा सेंटर में रखो, इट्स द सेम थिंग। क्लाउड में थोड़ी सी सटल डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप चीज को ओन नहीं करते, बट यू नीड टू नो कि वो प्राइवेट क्लाउड है, वो कैसा क्लाउड है। आमतौर पर सर के जो नेटवर्क होते हैं वो प्राइवेट क्लाउड पे होते हैं, यानी आपका अपना क्लाउड होता है, अपनी होस्टिंग होती है, आपके इवन जो सर्वर होते हैं वो भी आपके अपने होते हैं, सो दे कार्व इट आउट, ये सर्वर आप ही का है, हम इसके ऊपर किसी और को होस्ट नहीं करेंगे, राइट। चाहे सेगमेंटेशन हो, कुछ भी हम नहीं करेंगे, दे डू दैट, माइक्रोसॉफ्ट अजोर जो है वो, GCP, गूगल क्लाउड, अमेजोन का हो गया, AWS, OVH हो गया, सब ये ऑफर करते हैं। तो जंप बॉक्स क्या होगा, वो 4 सर्वर्स होंगे, लोड बैलेंस होंगे, आप सिर्फ उस सर्वर के ऊपर VPN कर सकते हैं। जब आप उसके अंदर आ जाते हैं, आप ऑथेंटिकेटेड होते हैं, और उस ऑथेंटिकेटेड होने के बाद आप उस सर्वर के अंदर से जाकर फिर काम करते हैं, तो सर्वर को पूरा लॉकडाउन करके फुली मॉनिटर किया जा रहा होता है, ठीक है, दैट इज अ जंप बॉक्स सर्वर, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, आपका जो लैपटॉप होगा वो आउट ऑफ वो हो जाएगा, स्कोप हो जाएगा, आप कहीं से भी कर सकते हैं उसको, लेकिन जाहिर सी बात है उसको एक्सेस करने के लिए आपको 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और तमाम चीजों से गुजरना पड़ेगा, राइट।
वांछित से गुजर के आओगे तो काम होगा, ऐसा थोड़ी होगा आपका। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा, जरा एक मिनट सब्र कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, क्या मसला है यार? ओके ठीक है, मसला हो गया था छोटा सा, उसको ठीक करना था मुझे जी। ओके सो उसे जंप बॉक्स कहते हैं। जंप बॉक्स जो है आर्किटेक्चर में आपको NIST की डॉक्यूमेंटेशन में नजर आएगा, अगर आपने जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, दूसरे लोग हैं, अगर आपने उनकी चीजों को आउट ऑफ स्कोप करना है, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। प्लस वो जो जंप बॉक्स होता है उसमें आप मुख्तलिफ सोल्यूशन, जैसे ऑब्जर्व आईटी है एक बड़ी फिनोमिनल सोल्यूशन है, उसमें जो भी लॉग इन करेगा, जैसे मैं आऊंगा, खालिद बिन वलीद आया, अब्दुल्ला बिन जर्रा आया, उमर बिन खत्ताब आया, कोई भी आएगा उसके अंदर, वो चीज उनके तमाम अकाउंट्स को प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा होगा कि वो क्या कर रहे हैं, किस टाइम लॉग इन होते हैं, और उनकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही होगी। ओके हाँ ठीक है, कि भाई रात को 2 बजे जो है वो खालिद बिन वलीद लॉग इन करके क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कोई मेंटेनेंस चल रही है, क्या चल रही है, ठीक है, और इसने कौन कौन सी कमांड्स रन की, सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। ठीक है, और वहां पर आप लिमिटेशन कर सकते हैं कि खालिद बिन वलीद जो है वो सिस्टम वो डेटाबेस जो है सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकता वहां से बैठकर, यू कैन लॉक इट, तो वो लॉक हो सकता है। ठीक है, अब्दुल्ला बिन जर्रा जो है वो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, लेकिन वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क नहीं कर सकता। सो यू कैन फाइंड ग्रेन्यूलर कंट्रोल लगाए जा सकते हैं उसमें, राइट? तो ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 99% ऑफ द टाइम स्केडा नेटवर्क्स के अंदर ये चीज लैग करती है। ठीक है, तो अगर आपके पास क्लाउड में भी है तो बोले भाई आप, हमें नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, बोलना आई डोंट नो हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटर्स यू हैव, इट मे बी अ टीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्टॉक गाइस, नॉक गाइस, बट नॉट एवरीवन नीड्स टू हैव एक्सेस टू द, नॉट एवरी लैपटॉप और कंप्यूटर नीड्स टू बी पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट नेटवर्क लाइक दिस, राइट? सो रादर देन गोइंग थ्रू डायरेक्टली टू द VPN, कि जहां VPN कनेक्ट करें तो आपकी लैपटॉप की IP मैनेजमेंट VLAN की IP बन गई, नहीं, दैट्स सिक्योरिटी वायोलेशन, बिकॉज अगर इफ दैट एडमिनिस्ट्रेटर इज नेग्लिजेंट और उसका लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, व्हाट विल हैपन, एनीवन when the next time when he's connected to the network, जब वो वहां जाके कनेक्टेड होगा, ठीक है, और VPN से कनेक्ट होगा, मैनेजमेंट VLAN की IP मिल जाएगी उसके उसके लैपटॉप को, तो क्या होगा, व्हाटएवर कमांड्स ही रन्स, दैट पर्सन नाउ हैज फुल विजिबिलिटी एंड फुल एक्सेस टू द मैनेजमेंट नेटवर्क। बट इफ यू कट इट डाउन एंड यू लीव इट ओनली टू द RDP सेक्शन, के भाई मैं सिर्फ RDP कर सकता हूँ, रिमोट डेस्कटॉप कर सकता हूँ, तो उससे जो है ना आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस विच इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड, ठीक है, एसेंशियली शुड बी फॉलोड वर्ल्ड वाइड। फाइनेंशियल नेटवर्क्स में आपको ये सेगमेंटेशन मिलेगी बिकॉज दे कट इट डाउन, ठीक है, रिस्क एक्सपोजर आपका बहुत कम हो जाता है, एंड देन यू कैन डिप्लॉय सॉल्यूशंस लाइक ऑब्जर्व IT एंड डार्क ट्रेस एंड स्टफ लाइक दैट टू फर्दर लिमिट इट, ठीक है, उसको और लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो आपकी जो उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर हम रख के बात करेंगे और सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ ये स्क्रीन नजर आ रही है ना, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जो लिखा हुआ, जी जी ठीक है। नाउ यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल है ड्राइवर स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू थ्रेट इंटेलिजेंस है, vulnerability detection, ये threat hunting भी जिसे कहते हैं वो भी है, security scanning, penetration testing, security monitoring, identifying IT and OT security risks and other related information security activities, ensure adherence to the various internal and international information security standards and also to provide technical consultants consultation on multiple information security issues.
ठीक है. सो दिस रोल इज अ वाइड रोल. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल है, इट्स अ मीडिएटर. ठीक है, इट मीडिएट्स बिटवीन डिफरेंट टीम्स. ठीक है, सो थ्रेट की टीम अलग है, थ्रेट हंटिंग की. प्रिज्यूमेबली आई एम प्रिज्यूमिंग कि इनके पास है, अभी पता चल जाएगा बढ़ के कितनी है. वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन की टीम तो होगी होगी ना, ये तो अगर इसके ये भी नहीं है तो फिर वो इतनी बड़ी फर्म कैसे चला रहे हैं. ठीक है, सिक्योरिटी स्कैनिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये तीनों चीजें रेड टीमिंग के अंदर आ जाती है. रेड टीम वाले बंदे ये काम करते हैं. ठीक है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, आइडेंटिफाइंग ITOT सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज. इसमें पूछ सकता है कि भाई तुम कि भाई कैसे करेंगे, बोलो भाई. टू स्टार्ट विद दैट, फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट आर द एसेट्स. डू वी मेंटेन अ कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क एसेट रजिस्ट्री. That in ये सब recorded है, so you can write it down and you can say all of these things, inshallah, okay? ठीक है, so exactly. You can say कि भाई कि if you maintain, if the organization maintains basically, not don't say you, say if the organization maintains a robust asset registry, that they know where their assets are, whether they are physical or logical, as long as they have a you know beeping IP in it, like if it has a pulse on an IP, we need to know where it is. Right, if it's connected to level 0, 1, 2, 3, 4, 5 of the Purdue, as per the Purdue network architecture, because that is the architecture that is how we were running things at our place. Jisa aapne batana hai, this is what we are doing. Tumko pata chalega ha yaar se ye Purdue. So you, when you are talking, you have to use the proper naming conventions, because they are right. Because wo jo sun raha hoga, he's going to write down notes and he's going to say, okay yaar, is bande ko ye bhi pata hai, ye bhi pata hai, ye bhi pata hai. Because you need to be very good in terms of explaining yourself, because if you can't, agar aapne usko binary answers diye, that's not good, right? Theek hai, so ye bahut important hai, because that is the key right. thing. This was the only reason, theek hai ji, Allah ne mujhe sikhai aur Allah taala jo hai na mujhe bahut jaldi aage le gaya. But agar aap dekhe to tamam anbiya ye kaam karte the, theek hai. The storytelling is what Allah has done in the Quran. Quran 50% is basically stories from the past and then stories of the future. Okay? This is a, and then in the middle there is also ghaib al-ilm, which no one knows, so on and so forth. Right? So you need to be a very good presenter. Present these things. Right? Jab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pe Allah ka kalam utarta tha to log bolte the ye shayar hain. Theek hai, jab wo Umar bin Khattab jab khane Kaaba ke ghilaf ke piche chupe hue the, to उन्होंने कहा ये शायर होंगे जब कलाम पढ़े थे. उन्होंने कहा नहीं, ये शायर नहीं है, ये जादूगर नहीं है. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. तो ये वी हैव टू बी गुड स्पीकर्स व्हेन वी टॉक टू समवन. सो यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि भाई इफ आई डोंट नो लाइक इन विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट टॉक्स विद इन माई ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज हाउ वी वर डूइंग इट, राइट? एंड दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस एज पर द 62443, द ISO का जो स्टैंडर्ड है, SCADA का, क्या नाम है उसका, IEC 62443 है ना मेरे ख्याल से. आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म द नेम, राइट? 62443, दैट इज द 62443. हां, 624 ISO और IEC 62443, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसके जरिए आप जो है ना सेगमेंटेशंस करते हैं, राइट? सो मेंशन कि भाई इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी हैव बीन, यू नो, दिस इज व्हाट आई इंप्लीमेंटेड 62443 IEC स्टैंडर्ड. And obviously the standard has different parts, but one of the key critical things was like, we always start with the architecture. We always want to know what the assets are, because if we don't know the assets, how can we find out their own? And if we can't do that, then how can we make sure that they're secure? So regardless of how, where they are, the components, we need to understand all the key components, so on and so forth, right? So you have to make sure that you mention this word and say, okay, bhai, उसके आई वुड से के बोल देना उस पर कि भाई वी मे हैव नॉट इम्प्लीमेंटेड द बेस्ट ऑफ द थिंग्स इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, बट इट वॉज एज क्लोज टू 62443 एज वी कुड पॉसिबली गेट विद इन द लिमिटेड स्पेशल यू नो फंड्स वी हैड, राइट? और विद इन द लिमिट बजट वी हैड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो वी प्रीटी मच इम्प्लीमेंटेड ऑल द की थिंग्स ऑफ द 62443 एंड द PIBDA मॉडल, बिकॉज द PIBDA मॉडल and the 62443, they complement each other, right? So use your hand gestures to say they complement each other, right? So right. so just don't sit like this, aise baith ke jawab mat dena, right? Main aapko ho sakta hai aata ho Khalid bhai, main ye nahi keh raha, lekin maine abhi dekha hai bachon ko jab maine unse interview lena shuru kiya, to I realized ke bhai wo jo hai na
उनको मसला होता है, राइट, बिकॉज उनको किसी ने सिखाया नहीं, राइट. सो वी हैव टू मेक श्योर कि भाई हम उनको उस बात पे सिखाएं भी कि वो बात भी कर सके, राइट. सो ठीक है, तो दैट्स अ की थिंग दैट यू हैव टू मेंशन. नाउ उसके बाद यहाँ लिखा है ITOT के ऊपर पार्ट है, सब चीजों के ऊपर पार्ट है, ठीक है. वल्नरेबिलिटी एंड डिटेक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है. नाउ पहला है आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड थ्रेट्स इन द कंपनी ITOT टेक्नोलॉजी नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग वेरियस टेक्निक्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. बोला हाँ ठीक है, आई मीन सर्टेनली वी कैन डू दैट. आपने नाम लेना है कि भाई दिस इज हाउ वी डिड इट विद एन अदर ऑर्गेनाइजेशन. आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एसेट मैनेजमेंट टूल है फॉर एग्जाम्पल, राइट. सो आप बोल दो कि भाई वी हैड अ इंटरनल एसेट मैनेजमेंट टूल बिकॉज इट इज एन इंटरनल, यू डोंट वांट टू नेम देम, डोंट नेम इट, ठीक है. ये मत बोलना कौन सा है, RSA का है, क्या है क्या नहीं है. बोला भाई वी हैव एन इंटरनल एसेट मैनेजमेंट रजिस्ट्री, राइट. सो व्हाट इट डज इज बेसिकली इट ट्रैक्स ऑल द लॉजिकल एसेट्स एंड द हार्डवेयर एसेट्स, एनीथिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू द नेटवर्क, वेदर इट इज IT नेटवर्क और OT नेटवर्क, बिकॉज दे आर बोथ ऑन द सेपरेट VLANs. It's completely air gapped, and we have management VLANs. We have jump boxes. Mentioned jump boxes. We have all of those things in place, right? So IT network is on the top. OT network comes in the middle and the bottom. This is the segmentation of at a high level. But if I have to explain it to you without going against the NDA. Right, because mention ki bhai there is an NDA sign, I can't talk about all the things directly, but certainly as any best practices I would certainly mention that. But say I can mention some of the solution that they're using. Yes, they're using Cisco, they're using VMware, they're using other things, they're using Microsoft, all the key players within the on the global stage within the SCADA industry, they're using that. Raytheon, they're using Siemens, Honeywell, all those companies which produces PLCs and HMI, the bread and the butter of the industry, right? That's what we have. Now, what it does is basically it maintains that. Now, mention, if he says, ke bhai, how do you scan security vulnerabilities? So this is very important. Say, for IT networks, it's a different story. We perform internal scans and external scans of the network. We perform internal vulnerability scans and external vulnerability scans. We also perform authenticated scans. Do you know what authenticated scans are, Khalid? Authenticated scan, main ek baat bata dun, CIS top 20 controls aur ISO ki implementation ka course karo, otherwise mushkil hogi. Theek hai? Right. Maine isme sab cheezein batayi nahi hai. CIS top 20 controls ki bhi baat karna. So mention ke bhai, we follow ISO, IEC 62443. We also follow 27019, which is the SCADA standard, whatnot. And then we also follow basically the CIS top 20 control. So what we did was within our organization, we created a unified framework, which ensures that we comply with all of these controls. So, comply once and meet all the requirements. That's how we designed the controls. So if given the opportunity, I will be doing the same thing, that to remove the redundancy and the friction of these different standards, they do overlap with each other. So what I will do, obviously if given the opportunity, I have to assess, I have to perform my gap assessment or read the previous gap assessment, understand, what the architecture is, so on and so forth. It take me some time, a couple of months, 2-3 months to understand and wrap my head around all of those things. I'm English, mostly baat karna, English mein dena hai na. Right. So do all of those things and then basically reach to a conclusion what needs to be done, where are the remove the redundancies and when it comes to compliance and stuff like that. Jazakallah khair. Okay, so mention mention all of these things to make sure that they understand. So for IT we do that. Authenticated scans कहते हैं कि एक तुमने IP को scan किया, ठीक है? Callus scanner से या Rapid7, just name Callus and we are using Callus, right? ठीक है? We are using a Callus scanner to perform that. But authenticated scans is we were using IT, for IT technologies we were using authenticated scans as well. Authenticated scans means के
आपने पहले तो विंडोज की आईपी को ऐसे स्कैन कर दिया 10.10.0.1 व्हाटएवर द आईपी इज, राइट, लेकिन उसके बाद उसकी उसका यूजर नेम पासवर्ड भी दे दिया स्कैनर को, तो स्कैनर जब उसके ऊपर जाके आरडीपी करेगा डायरेक्टली अंदर, यानी कि उसको रिमोट डेस्कटॉप करेगा अंदर, और स्कैनर वहां बैठ के एक एजेंट इंस्टॉल करेगा और सिस्टम को अंदर से भी स्कैन करेगा। अंदर से स्कैन करने का क्या होगा, इट विल बी एबल टू फाइंड आउट कि उसमें जो जो एप्लीकेशंस डली हुई है उसकी क्या वल्नरेबिलिटीज है। ठीक है, एक्सटर्नल स्कैन ओनली स्कैन्स द आउटसाइडर शेल ऑफ द होस्ट आईपी, एंड होस्ट ऑन होस्ट आईपी व्हाट इज इट रनिंग, इट्स द होस्ट ओएस, सो इट कैन ओनली नॉक ऑन द होस्ट डोर एंड सी व्हाट आर द वल्नरेबिलिटीज। ठीक है ना, कि यार दरवाजे में सुराख है, यहां पर सुराख है, यहां सुराख है, यार दरवाजे खराब है। ठीक है, द प्रॉब्लम विद द डोर, बट authenticated scan is where like you walk into the house, you walk in and say, oh yaar, yahan to sab kuch sab khula pada hua yaar. Okay, that's a big problem, right? So this is authenticated scans karte hain IT ke andar, but for OT we don't do that because problem is, main batata hu kyun, we should be doing it but there's a problem, main batata hu. So you have to explain that all of these things, this is from my own experience, right? Agar wo aise scan mara kisi ne OT ke scan ka normal threshold, acha scanning mein bhi speeds hoti hai. अभी मेरा एक कोर्स आ रहा है इसके ऊपर, जुलाई में रिलीज हो रहा है 31 जुलाई को, उसमें मैं स्कैनिंग करना सिखा रहा हूँ बच्चों को। ठीक है, स्कैनिंग की स्पीड होती है, फास्ट स्कैन होता है, मीडियम स्कैन होता है, स्लो पेस स्कैन होता है। फास्ट मारोगे तेजी में जल्दी सब बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज मार के देखेगा, ठीक है, सब कुछ करेगा, बाजूकात ना वो आईपी बैठ जाती है। सो फॉर आईटी नेटवर्क इट्स फाइन, यू कैन डू, बट इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज एज वेल, यू नो, सीम के अंदर बहुत सारी लॉग्स आने शुरू हो जाती है, दैट्स अनदर थिंग, राइट? जब आप काम करते हो पता चलता है कि क्या हुआ यार, जिस दिन स्कैन होता है उस दिन लॉग्स वाले जो है ना बेचारे परेशान होते हैं, भाई लॉग्स भर गई सारी यार, क्या कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, सही है, तो ये बड़ा मसला होता है। ठीक है, तो ओएस की लॉग्स, एप्लीकेशन लॉग्स भरना शुरू हो जाती है क्योंकि कोई इनको नॉक कर रहा था ना, एक्सेस कर रहा होता है, राइट? ये मतलब, सो फॉर ओटी टेक्नोलॉजी दिस इज वेयर इंडस्ट्री, जो आपकी फैक्ट्री है, अब ये जो फैक्ट्री जो भी काम करती है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम इट, राइट, शिपयार्ड है, स्केडा इंडस्ट्री है, जो भी काम करते हैं बेसिकली अल्मोनियम प्लांट है, वट एवर द केसेस, राइट, उसमें जो ओटी टेक्नोलॉजी में इनके बॉयलर्स, इनके एचएमआई, पीएलसी सब वहां कनेक्टेड होंगे, वो ओटी, दैट्स पार्ट ऑफ द ओटी। नाउ ओटी इज सेंसिटिव, इफ यू परफॉर्म अ वल्नरेबिलिटी स्कैन ऑन देम फास्टर, दे विल क्रैश, दे विल रीबूट, दे विल शट डाउन। सो मेंशन के भाई वी वर वेरी केयरफुल बिकॉज वी लर्न इट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड वी यूज्ड टू डू low threshold scans on OT technology, you know, OT infrastructure to make sure like we don't break anything. And we used to coordinate it with the infrastructure guys to make sure that they know that we are going in to perform all of these things and, you know, make sure that people are scanned by. And we used to do that in chunks, you know, so we'll cut them down, you know, phase one, these OT systems under the scope will go, phase two, this, phase three, this, phase four, this, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and within, you know, couple of days, within couple of weeks, we used to cover the whole infrastructure. And this is used to be a continuous exercise, performing every 3 months. That's the best practice, you know, we're going to do that. Because nowadays, we don't want to end up with like black energy or stuckness or, you know, all of these evolving advanced persistent threats that essentially targets all the SCADA industry, which is the heart, you know, and soul of any country. I mean, the whole country relies on power grid, right, shipping lines, and all of these kind of things, right? So we want to make sure that, you know, we do our best in terms of securing them, right? So that's how you do that. Right. Penetration testing and vulnerability assessment. Say, I used to be part of the penetration testing and vulnerability scanning. When it comes to defining the scope, and you know, selection of the targets, etc., etc. But there was segmentation within the company. Or wo alag log karte the, different team was responsible for that. There was a red team that was doing it, right? But you know, at points within my career, I have done this. I mean, you know, sometimes red team guys, they were low, so they will bring me in and I will get them. I mean, these are simple tools. You just insert the IPs, you know, you need to understand where the subnets are of the IT and the OT, the schedules are, coordinate with everyone, coordinate with the asset owners, you know, and everything, and then go in and perform the scans. Some of them authenticated scans, some of them this, some of them that. You have to be very eloquent. If you memorize all of these things, because this point se wo kya sawal puchega, this is all he can ask.
राइट, फिर मैं आपके सीवी भी पकड़ूंगा, सीवी से भी पूछूंगा कि क्या क्या पूछ सकता है. सो और कुछ पूछ बचता नहीं, दिस नथिंग दैट लेफ्ट राइट. हाँ यू कैन से कह सकता है कि यार गिव मी एन एग्जांपल व्हाट हैपेंड, बोलना भाई हाँ वी यू नो वी हैड अ ब्लॉक बिकॉज वी यूज्ड टू डिवाइड थिंग्स इन ब्लॉक्स राइट ऑफ द ओटी साइड एंड देयर वाज अ सीमेंस यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर देयर अ कपल ऑफ एचएमआईज एंड पीएलसीज एंड व्हाट नॉट राइट. और यू कैन से देयर वाज अ सीमेंस इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, ऑल ऑफ दीस एसेट्स विद इन द ओटी दे वर रनिंग ऑन सीमेंस एंड यू नो when we ran the scan on medium you know there was a new guy and he just broke the whole architecture. I mean when I say broke it means like you know something they rebooted themselves because they were handling so much traffic because of the scanner and some things they just crashed and they just shut down you know because and some of these safety controls kicked in so it was a disaster, something I don't want to remember. Right, because in our line of business, we want to make sure that we reduce the chatter, the noise as much as possible. We don't want to come under the radar of other people, like the security guys go in and break up everything, right? And this is 99% of the time, this is what happens, because when security guys goes in, he always breaks something. To me, security guys are just like, Allah sent messengers, right? Say, you know, right. The guy is a Muslim, say, why Allah sent messengers, right? Security guys are just like, they're doing the job of the messengers. You know, we can only preach, we can give people dawah, you know, add some element to that as well. If you see an Arab guy sitting over there, because you will know the names and everyone, right? Yeah. Say, they are just like messengers, because we go in and we, most of the time, people see us as the bearer of the bad news. Right, but at the same time, we give them glad tidings as well that if you do follow this, then you will be secure and compliant. Right, so do that. I have done this in the past, and people are very happy. Take it. See your audience. Who your audience is. Agar wo audience tumhari Musliman hai, so you can use that. Take it. And the audience is like non-Muslim, then you have to be very careful and don't use that. Right. But if you see any Muslim guy sitting there who is a senior, then you can say that. It's fine. Right? Right. He will understand. Right? Lekin depending ki kaun kidhar kya baitha hua. Theek hai? Achha, collate information. So this is what it covers. Penetration testing and vulnerability assessment. We covered that. Penetration testing mein bolna hai bhai humari team thi, internal. And segmentation thi. Tumne khud toh penetration testing kabhi nahi ki na, vulnerability scanning. Nahi ki hui hai. Kaun se tools ka istemal karke ki hai? Kya ki hai? Qualys, Rapid7, क्या use किया? Nessus, क्या? Nessus और उसके अलावा जो है वो जो हमारे पास vulnerability कुछ paid जो है जिस तरह से है Workfleet और इस तरह की चीज़ें जी हाँ तो just mention some of these tools बोलो भाई अच्छा कोई proprietary tools कोई proprietary protocols हैं वहाँ पर MQTT Wi-Fi Lite इस तरह की कोई property protocol नहीं Modbus और MSTP और loan network हाँ तो तुमने फिर बोलना है कि भाई I have been part of those exercises I've done that we were using Nessus and utilizing Nessus we were scanning Modbus over Ethernet को तुम कर सकते हो Modbus जो दूसरे पे चलता है वो तो नहीं अब तो Ethernet पे आता है ना right तो जी Modbus over Ethernet we were keeping an eye on it. It's a protocol that has many vulnerabilities at times, right? So you have to make sure that you monitor it, so on and so forth. Okay? So we were doing that. So bol dena penetration testing kiye once every 3 months hum karte the, okay? The other one iRetina that I have used. हाँ Retina बोल देना ठीक है सही है Retina is a good scanner, it's a web scanner, ठीक है बोला हम use करते थे and we were finding all kinds of vulnerabilities. अच्छा जब vulnerabilities हो जाती थी पूछेगा कि उसके बाद क्या होता था बोला भाई then it's part of the infrastructure team to fix it. Right. Now, agar bolenge bhai, if they can't fix it, then we say, bhai, then we used to create compensating controls around it. If you can't fix anything, you have to do two things. You have to make sure that you create a compensating control to isolate those things in a separate VLAN, in a careful manner, apply ACLs at a firewall level, switch level, stuff like that. As much as we can contain it as possible. And then at the same time,
we used to get the assigned statement from the management saying, yes, we accept the risk. Yes, we know that there's a problem. Siemens or whoever the company is, it's taking time to release those patches. So we're going to accept the risk for now. I mean, you have to do that. That's a process. Have you done it? I'm sure you haven't done this. Nahi kiya na kabhi? Nahi kiya. Yeah. Senior during the risk. Sign-off liya ke accept karo risk ye hai aur exactly during the risk assessment, we come up with some things like there is some issue in the BCP kind of thing that for the disaster recovery we don't have some basic stuff in the company that cost a lot to make it 99.9% uptime. Then what the organization said, the management said, okay, we're gonna accept this risk if it go down for kind of 4 or 5 hours in a year or in 6 months, so we accept this. So we did that acceptance statement and got a letter, written email from the management and made part of the documentation. So you have to mention that, okay? Now, he might say, as you mentioned, that they're very heavy on Microsoft Azure, right? Yeah. So if he says that, we will cover that. There are two tools that you use in Azure network to perform basically scanning of the Azure cloud configurations and whatnot, right? So I will mention those tools, okay? Now, collate information from the conducted assessments and recommend appropriate remedial steps. Now, wo bolega kaise karte the? So remember, jaise maine aapko tumko bataya tha, ke hum mention karenge basically, kaun sa tool tha wo? CSAT. Right, CSAT का जो tool है CSF cyber security framework इनका जो tool है बहुत phenomenal tool है. Remember that ये CISA की cyber security and infrastructure security agency, ठीक है, USA की. नजर आ रही है ना screen यहाँ पर? नजर आ रही है? जी जी, right, आ रही है. इनका जो tool है, you have to mention that because this is the tool which is widely used in the industry, ठीक है? और इनके टूल के अंदर वो तमाम चीजें उन्होंने दिया हुआ है, सब कुछ, ठीक है, इसकी जो है ना पूरी असेसमेंट सब चीजें उन्होंने दी हुई है. मैंने इसका ISO पैकेज अपने सिक्योरिटी सिक्योरिटी 101 के कोर्स में दिया हुआ है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, और उसके अंदर उन्होंने सब चीजें बताई हुई है. ये खुलनी ना मेरे पास बिकॉज ऑफ द मैक, बट ये चीजें तुम्हें वहां से मिल जाएंगी. इसको जरूर पढ़ना, उसके अंदर पोर्टल से तुम डाउनलोड कर लो, मैंने वो रखा हुआ है. डाउनलोड करके तो मैं क्या मॉक असेसमेंट भी कर सकते हो कि ये इंडस्ट्री है, ये शिपिंग इंडस्ट्री है, या ये अल्मोनियम इंडस्ट्री है, या ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन वाला मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करते हैं. उसमें तुम्हें इंडस्ट्री भी मिलेगी, उसके थ्रेट्स भी तुम्हें नजर आएंगे. एक असेसमेंट ऐसी करके बैठ जाना. असेसमेंट जो तुम करोगे उसके अंदर से तुम्हारा सारा इंटरव्यू, राइट, ठीक है, वो कर लेना. तुम्हें फायदा हो जाएगा उससे, तुम्हारा काम बहुत बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है. याद रखना कि ये सीसा का जो असेसमेंट टूल है, it's a phenomenal tool. We should use it. Yeah, CSET, cyber security evaluation tool. इसको कहते हैं, ठीक है? ये इसका नाम है. नजर आ रहा है ना? CSET, cyber security evaluation tool. ये बहुत अच्छी चीज़ है. जिसने काम कर लिया, समझो उसने अपना काम आसान कर लिया. Now, right. ये पता है कि ये unfortunately सिर्फ Windows पे ही available है, ठीक है? तो ये देखो इन्होंने दिया हुआ है. Okay. So ये Linux का शायद होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने Windows पे use किया है. बट अभी नवंबर 2020 में इसका अपडेट भी आया था, ठीक है. ये जो सोर्स इन्होंने, अच्छा, ये ओपन सोर्स है, तो इन्होंने सोर्स कोड भी दिया हुआ है, आप इस्तेमाल कर लें, देख लें सोर्स कोड, ठीक है. तो हम खुद भी इसको इस्तेमाल करते हुए अपने पूरा एसेट मैनेजमेंट का एक पूरा टूल बना रहे हैं, ठीक है, जो CSAT को इस्तेमाल कर रहा है. अन्नाफे कंसल्टिंग जो है ना हमारी कंपनी, उसने काम शुरू कर दिया. हाँ, तो हमारा काम है यहाँ पर, ये जो है ना इसी में हम लोग काम कर रहे हैं, annafe.org, और इसका कल मंडे को अफ्तताह हो रहा है, राइट. तो इसके ऊपर हम लोग जो है ना, हमारे सारे टूल्स वगैरह हम इसमें बना रहे हैं, सभी हमारे टूल्स हैं अपने, माशाल्लाह, राइट. तो हमारी टीम है, उसने सब चीजें हमें बनवा रहा हूँ उनसे. दिस इज गोइंग टू बी फिनोमिनल एक्सरसाइज कि जिसमें लोग जो है उनको पता चल जाएगा कि काम होता है कैसे इंडस्ट्री में. तो हमारे जो बच्चे दुनिया से निकलेंगे ना, पाकिस्तान से, दूसरे मुस्लिम ममालिक से, उनको बहुत अच्छा काम आता होगा. दैट्स द होल आइडिया, इंशाल्लाह. इसके बाद फिर है कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी. डिजास्टर रिकवरी के बारे में हम BCMS यूज कर रहे हैं, Business Continuity Management System, 22301, ISO 22301. They are also certified on BCMS.
तुम लोगों ने सर्टिफिकेशन नहीं हुई BCMS की? यस, थर्ड पार्टी से, BSI से? BSI से। हाँ तो बोलना कि भाई मैंने इस चीज को पूरा लीड किया, रन किया, और हम लोग BSI से हम लोग रजिस्टर्ड हैं। हमारा जो पूरा कंटिन्यूटी डिजास्टर कंटिन्यू मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है वो पूरा BCMS बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम पूरा इम्प्लीमेंटेड है और पूरा हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद वो कुछ बोलेगा नहीं, बोलेगा ठीक है बस सर्टिफाइड हो गया। क्या मतलब के मैं तुम्हें 100% बता रहा हूँ ये लोग सर्टिफाइड नहीं। अच्छा हाँ ये मैं अगर चेक कर लेता हूँ अभी पता चल जाएगा। I got this in the profile of the person working there. क्या वो कर रहे हैं इसके ऊपर काम? He mentioned himself in his profile that they are certified on this and ISO 27001. अच्छा ये लोग सर्टिफाइड हुए हैं, पूरी कंपनी को सर्टिफाई किया हुआ? Yes. अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त, इसका मतलब काम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। But not on the, it's not mentioned on their website. अगर वो होता है ना तो उसका बड़ा मतलब कि वो होता है has been recertified, लिखा हुआ है has been recertified to ISO 27001, awarded for supporting organization, supporting catalyzation at the energy industry sector. हाँ इन्होंने किया हुआ, मगर उसका स्कोप क्या है? ठीक है तो इन्होंने किया हुआ इसको, ये लोग कर रहे हैं, एंड दिस इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तभी तो इतना अच्छा वो काम। तो इसका मतलब है फिर ये लोग बहुत सारे काम पे कर रहे होंगे, फिर तुमसे इतना पूछेंगे नहीं क्योंकि तुमने भी बोला हमने भी किया, मेंटेन किया हुआ है, हमारे पास भी है, ठीक है। अच्छा डेवलप रिव्यू इम्प्रूव एंड अपडेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोसीजर्स गाइडलाइंस एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, बोल देना हाँ भाई ये तो मतलब के दिस इज द ब्रेड एंड बटर, यू नो देयर आर थ्री एलिमेंट्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज। अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑर्गेनाइजेशन दे फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, बट व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस यू नो एंड द इंडस्ट्री within the industry and from all the great people that I've talked to, like all the experts, the subject matter experts in within this, you know, within the SCADA industry, it's always the people and the processes. If you focus on the people and the processes, technology is the last thing that you need, right? Right. So our emphasis was also on people, training them, equipping them with all the necessary things, and then processes, designing everything over here. It's not the technology. Right. ठीक है, वो मिसाल वही है कि पाकिस्तान में जो भी आता है मिनिस्टर बनता है जो है ना, हम लोग सारे प्रोग्राम इसलिए फेल हो जाते हैं कि हम लोग जो है ना इट्स टाइम टू गिव बैक टू पाकिस्तान, इट्स टाइम टू फला बैक टू पाकिस्तान, और मैं PayPal को बुला रहा हूँ या मैं PayPal को बुला रही हूँ, सब इस सब करके बोलते हैं सब ठीक हो जाए। दिस इज नॉट हाउ द कंट्री विल प्रोसीड। आज मुझे किसी ने भेजा आर्टिकल कि भाई इन्फिनिटी कोई कंपनी है, वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना NWFA में वो अपना एक बड़ा हब खोल रही है, ठीक है, और हम उसके अंदर टेक्नोलॉजी बनाएंगे। अगेन दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। इन्फिनिटी पाकिस्तान के मसले हल नहीं कर सकते, पाकिस्तान के मसले हल करने हैं लोगों को ट्रेन करो, ठीक है, लोगों को ट्रेन करो, उनको एजुकेशन दो और उनको प्रोसेसेस पकड़ाओ, दे विल क्रिएट टेक्नोलॉजी देमसेल्व्स। पाकिस्तान में हजारों इन्फिनिटी जैसी कंपनी हो सकती है, ठीक है, बट दे कीप ऑन डूइंग द रॉन्ग थिंग। वो समझते हैं कि हाँ ये कंपनी आएंगे मसला हल हो जाएगा। मूसा अलैहि सलाम का अल्लाह ने कुरान में जिक्र, ठीक है, कुरान में इतना जिक्र हुआ मूसा अलैहि सलाम का कि साहबा ने फरमाया कि हमें ऐसा लगता था कि ये किताब है ना वो मोहम्मद की नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं, मूसा अलैहि सलाम की, ठीक है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब लोग वही काम करोगे, सब वही गलतियां करोगे जो बनी इसराइल ने की, यानी कि यहाँ तक के कदम ब कदम उन पर चलोगे, यानी कि यहाँ तक कि अगर वो किसी किसी छिपकली के उसमें गार में भी चले जाए ना, माने इन अ केव ऑफ अ लिजर्ड You will go there as well. तो वहां पर भी जाओ, इसको उर्दू में इसी तरह तर्जमा होगा ना, राइट, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करना। तो ये हमारी मिसाल है, ठीक है, तो मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने एम्फसाइज किया, गिव देम द कमांडमेंट्स, ठीक है, एंड ट्रेन देम, सो ट्रेन द पीपल, गिव देम द कमांडमेंट्स। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हमें कुरान दिया, ठीक है, ठीक है, ही गिव दावा टू द पीपल, ट्रेन द पीपल एंड गिव देम द कुरान एंड द हदीस, राइट, सो देयर आर, सो अल्लाह ताला ने हमें यही दिया, सो दैट्स द ब्रेड एंड बटर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑलवेज स्टार्ट्स, बोलना, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट ऑलवेज स्टार्ट्स हियर, बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एंड अगेन इफ यू सी अ मुस्लिम यू नो ओवर देयर सिटिंग विद दिस, जस्ट मेंशन दैट एग्जांपल, एज आई सेड अर्लियर, राइट, सिक्योरिटी गाइज आर जस्ट लाइक मैसेंजर्स, राइट,
They're doing the job of the, right. just like the job of the messengers. I mean, we can preach them. What are the controls? What they have to follow? You know, and these are the commandments they have to follow. But at the end of the day, you know, we have to keep an eye on them as well. Just like the messengers, they came, and you know, with the book of Allah, and they used to give dawah to the people. They used to train people, and then they handed them over policies and procedures. Policies is Quran. Procedures is the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mention that example again. If you see a Muslim guy sitting over there with a beard, right. just mashallah, you know. You're also a practice, good practicing Muslim, right? Okay. Provide support to build the organization wide information security awareness and training programs, contribute and provide contents for its awareness. I used to do that within my organization all the time. You know, we were using resources from different areas. We're using standards, ISO 62443, IEC, the ISO 27001, 27017, 27019. We were also following that as well. Because of the, you know, because some of the infrastructure was also in the cloud. This is where you hit the nail in the cloud, right? Cloud bhi use kar rahe the, aur hamara hai. In some way or fashion, you guys are using the cloud, right? Kuch na kuch isme hai. If we add, is it good to mention that we are using the VMware private cloud and ESXi and like things like that? Hey, but VMware ka private cloud kya? VMware se tumne private cloud liya, rent kiya. नहीं नहीं अपना private cloud यहाँ पे build किया in our own data center and for building the whole infrastructure. That's a virtual service. Cloud is when you have no data center of your own, okay, and you go to someone else like Azure, Microsoft Azure, or Google GCP, or OVH in Europe, or Amazon AWS, or some other regional small players. You say, okay, we don't have any infrastructure. We will rent your infrastructure. Okay? So it will be, and they say, okay, okay, virtual infrastructure, kya chahiye? Hame 10 server, web server chahiye. 20 jo hai, application servers chahiye. 40 jo hai, hame database server chahiye. Phir hame itne V switches chahiye. VDS, virtual distributed switches yahan chahiye. Virtual routers yahan chahiye. Virtual firewalls yahan chahiye. Static firewall, dynamic firewall, falana, falana, falana. So wo, ye sara cloud hota hai. Are you using that? So if we are doing in our own data center, then it's just a virtualization? Then it is just a virtualization. You have your own virtual thing. You can say, okay, this is our own virtual private cloud, but this is your own thing. Virtualization, but essentially this is virtualization, right? Where you have your own data center. You can say, okay, this is our own virtual private cloud, but this is essentially a private cloud, right? But you guys are maintaining it yourself. Data center तुम लोग का है ना अपना है ना you own it जी अपना हाँ तो मतलब ये नज़ाइशी बात तुम जिस कंपनी में काम करते हो बड़ी कंपनी है पैसे हैं हाँ भाई हमारे पास अपना डेटा सेंटर है टेयर थ्री है टेयर फोर है क्या है टेयर थ्री कंप्लाइंट yes हाँ तो ये बोलना कि भाई इट्स अ टेयर थ्री सर्टिफाइड डेटा सेंटर Yeah, I remain the part of design and architect or implementation of that. I was the one who created the private cloud on VMware NSX. So we use our own private cloud. It's within our own data center. And that private cloud is being used by all the different geographical locations, separately distributed geographical locations are using the same private cloud basically to connect. So it's like it creates like a mothership. Where everyone sends their data, right? Whatever the thing is like, you can mention, right? So mention that. Right, okay. Got it. So then monitor, evaluate, and ensure segregation of duties on all systems in order to mitigate the risk of unintentional and or deliberate system misuse. So yeah, again, ISO 27001 ke andar mention hai, ye pura control hai. Nobody, that's the main thing. Segregation of duties, yeah. We were implementing it, we were following it. Absolutely, yes, we were doing that. Ensure compliance with applicable ISO 27001. Yes, that's the bread and butter of everywhere. Okay, so bolo hum bhi 27001 certified hai, BCMS certified hai. Okay, aur to iske liye maintain karna masla nahi hai. Maine khud training ki bhi lead auditor mein implementation mein. I went through my 27001 lead implementation training. I went through 27017, 27018. Something you have done on. Nafi, just on the key, okay, and also the implementation of 27019 as well, right? The SCADA
as well. So yes, absolutely. I know this inside out. I mean, this is what I follow, what I breathe in and out on a daily basis, right? ठीक है. So ये mention कर देना. Monitor changes in legislation, accreditation. बोलना भाई, this is something I do as my passion. I've subscribed to ENI SA, the European Union का जो which is the body for the European Union cyber security, right? I think right. उसको कहते हैं, mention the name, complete name, ENISA. इसे कहते हैं ENISA, right? Which is the European Union Agency for Cyber Security. So I subscribe, yeah. I follow them, and I also follow the CISA, which is the इसको कहते हैं सीसा को कहते हैं इंडस्ट्रियल इसे कहते हैं साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी. वो सीसा नहीं, ऐसा का वाला नहीं. दिस इज साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी. सो आई फॉलो बोथ ऑफ देम प्रीटी मच, यू नो, द ईनीसा एंड द सीसा, अगेन द साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी फॉर इन द यूएस, द नॉर्थ अमेरिका, एंड द ENISA कवरिंग द यूरोप. प्रीटी मच ऑल द की फाइंडिंग्स, all the key accreditations, the best practices, the standards, the updates, whether it comes to 27001 or 62443 or whatever the case is, comes from there, right? Right. So it's a central point where you can keep an eye on both sides of the fence, basically globally on both the continents. One is Europe, the other one is North America, and whatever the guidance comes in, you know, we follow them. In Asia and Middle East, and pretty much everyone does that, right? So we follow that. Yes, बोलो बोली हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ. And if there are any changes, yes, I do communicate those changes to the senior management or within my organization and to my teams and all the teams that this is a new requirement. This is a new requirement. You have to follow this. You know, we follow the alerts, the advisories, the reports from them very very closely, so on and so forth, right? So we do that. Yes, ठीक है. उसके बाद है इंश्योर अप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिकल एंड टेक्निकल सेफगार्ड्स इन प्लेस एंड थ्रेट्स. अगेन स्केडा सिक्योरिटी 101 के अंदर सब चीजें कवर हुई हैं. फॉलो दैट. गुड. ठीक है, उसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लॉजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, सब चीजें वहां पर मेंशन. पैच मैनेजमेंट, नेटवर्क सेगमेंटेशन, सब चीजें मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं. ठीक है, तो तुम देख सकते हो उसको. राइट. लिएज एंड मेंटेन. एक मिनट जरा सब्र करना. जी बेटा, बस मैं 10 मिनट्स में आ रहा हूँ बेटा. मैं आ रहा हूँ. असल में मेरा बेटा जो है मेरे साथ खाना खा रहा है. अकेले मैं खाना नहीं खाऊंगा. बोलेगा नहीं, मेरे सामने बैठ जाओ, मैं खाना खाऊंगा. ठीक है. लीज एंड मेंटेन कॉन्टैक्ट विद लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, रेगुलेटरी बॉडीज, सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर्म इन द फील्ड. आई मीन दिस इज, यू कैन आंसर दिस, राइट? राइट. प्रिपेयर सिक्योरिटी बेसलाइंस एंड सेफगार्ड्स, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. अगेन I've done this and I'm doing it right now. We create policies and procedures. We update them on an annual basis. So, ये सब काम मैं करता हुआ आ रहा हूँ. I mean, it's not something I haven't done. Absolutely, right. Whatever. I mean, the requirements will be slightly different. I'm in a separate SCADA industry. This is a slightly separate SCADA industry. Not slightly, but this is a separate SCADA industry. But essentially, the SCADA controls are the same. It's the same 27001. It's the same. 62443, it's the same PIPDA model, so on and so forth. But at the end of the day, Purdue model, not PIPDA, Purdue model. PIPDA is a access control model. So you have to mention that. But again, to understand these things, I mean, it's the same thing. Everything starts from the risk assessment. So once I know the risk assessment, or I've been able to, once I'm given the opportunity, I will perform that or read the reports of the prior risk assessments to understand where the organization is really standing and what can we do and what we have to do, right? Right. Resolve information security issues and improve information security performance by providing technical consultation, acquisition, support, technical architecture, all of these things. Again, they go back to 27001. Isme ek standard hai, jiska tumne naam dena hai. Wo standard kehte hain, usko batata hu abhi. इसका नाम क्या है? असल में मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो ये चीजें मेरे नजर के सामने से गुजरती हैं. कहाँ गया?
इसका नाम था, ये तो नहीं है, एक मिनट सब बताना चाहिए। हाँ, इसका नाम है, यू नो, फॉर द असेसमेंट एंड द वैल्यूएशन एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स वी वर यूजिंग, इसका नाम है मेजरमेंट के लिए 27,004, राइट? सो ओके, ऑल ऑफ दोस थिंग्स वी वर, यू नो, फॉर द असेसमेंट एंड फॉर द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, राइट, वी वर यूजिंग 27,004, व्हिच इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट system measurement requirements, right? For every controls, like for example, if I say example, to bolo bhai, if we have an access control policy, right, you know, I want to make sure that how many to measure how many access control issues we had in Q1 of 2020, and then in Q2 of 2020, and Q3 and Q4, and then we will then I used to compare them annually. Salana kitne hue agle saal se ke mutabik. 2019 में कितने हुए, 2020 में कितने हुए, 2020 के Q1 में कितने हुए, 2019 के Q1 में कितने हुए थे, कहाँ बढ़े, क्या हुआ, क्या चेंज हुआ, we used to do threat intelligence in there as well, right? So make sure we understand all the things, so on and so forth, right? If he asks you for a threat intelligence application, mention के भाई we are using internal like applications to perform that, using data science and machine learning, etc. अगेन तुम लोगों को मैंने सबको कहा है डेटा साइंस पढ़ो, लेकिन तुम लोग नहीं बात सुनते ना, मैं क्या करूं उसके ऊपर, राइट? ठीक है, असिस्ट इन ऑपरेशंस एरियाज रिलेटेड टू, अगर तुम्हें खालिद, अगर तुम्हें तरक्की करनी है और तुम्हें सिक्योरिटी कंसल्टेंट से डायरेक्टर बनना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग. जैसे वो बच्चा था, उसने मैनेजर से AVP बन गया, एज सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, सब छोड़ छाड़ के 5 पोजिशन से जंप मार के AVP बन गया. उसने उसने रोल प्ले किया, और रोल क्या था उसका, कि उसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये किया कि उसने सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया, जो जो मैं बात कर रहा था, जिस चीज पे जाके डिप्लॉय करके आ गया. ग्रेट, तरक्की हो गई इसकी. मैंने उसको बोला कि अगर तुमने इस साल 2020-21 में तुमने ये काम कर लिया, तो तुम AVP से डायरेक्टली SVP बन जाओगे. ठीक है, वर्क विद द कंसर्न्ड पार्टीज ऑन द सिक्योरिटी इंसिडेंट्स वल्नरेबिलिटीज, एब्सोल्युटली ये समथिंग यू कैन आंसर कर सकते हो. रिव्यू टेक्निकल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स मैनुअल्स फिजिबिलिटीज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये तुम कर सकते हो. मॉनिटर सिस्टम्स, ये तुम बोलना कि ऑडिट ट्रेल लॉग्स, सीम था, हम सीम इस्तेमाल कर रहे हैं. कौन सा सीम यूज कर रहे हो तुम लोग, वो नाम मत लो, बोलो भाई हम लोग ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं. या ओपन सोर्स ही कर रहे हैं, एलियन वॉल्ट. कौन सा? एलियन वॉल्ट. हां, एलियन वॉल्ट. एलियन वॉल्ट का ओपन सोर्स तो बहुत लिमिटेड वर्जन है उनका, असल बार तो उन्होंने AT&T में खरीद लिया है, उन्होंने वो किया नहीं. अच्छा, तुम यहाँ पॉज करते हैं जरा. हाँ खालिद, अस्सलाम वालेकुम. हाँ वालेकुम सलाम. सॉरी यार, मैं बच्चों के साथ बैठा हुआ था, असल में बेटा जो है ना मेरा, तो खाना खाना था. ओके, सो थोड़ा सा मैं भी खा के आ गया उसके साथ. ओके, असिस्ट, इसके बाद है असिस्ट एंड परफॉर्मिंग. अच्छा, इसके बाद है फिर असिस्ट एंड परफॉर्मिंग ऑनगोइंग सिक्योरिटी मॉनिटरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग असेसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, कंडक्टिंग गैप एनालिसिस फंक्शन. अब ये सारी जो है ना कंप्लेक्स स्ट्रक्चरल कम, यहाँ तो हम CSAT टूल की बात कर रहे हैं. बोलना कि भाई आई डोंट नो अबाउट इट, बट CSAT इज एन एक्सेलेंट टूल विच वॉज डेवलप बाय द साइबर सिक्योरिटी and infrastructure security agency USA. Okay, they have a phenomenal tool which any SCADA based organization, whether it's like shipping or manufacturing or basically whatever the industry is, they can use it, and it has customized features, so on and so forth. Main dikha nahi sakta yahan par kyunki main different system pe baitha hu, aur wo jo hai unfortunately sirf us pe chalta hai.
no issue आए हुए ठीक है, तो ये तुम इसको बता देना तो they will be able to understand this. इसके बाद यहाँ पर आता है evaluate and recommend new information security technologies and countermeasures against things. Now यहाँ तुम बात कर सकते हो उनसे और मैं तुम्हें एक लिस्ट देता हूँ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके ऊपर है, तुमने कहा था cloud पे, क्लाउड पर है, तो बोलो भाई क्लाउड के लिए मतलब के मुख्तलिफ टूल्स हैं, मगर जो सबसे बेस्ट टूल है जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स में यूज होता है ICS के अंदर वो पूमा स्कैन है, ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है सिक्योरिटी का जो CF यू नो एनालाइजर है, अगर आपकी कोई भी सी में एप्लीकेशन है तो विजुअल स्टूडियो में है तो वो उसको स्कैन करके देख सकता है. सर्वरलेस प्रे है, सर्वरलेस प्रे जो है वो अगर आपके GCP में है या अजोर में है या AWS में है, ठीक है, तो वो मतलब ना रिवर्स शेल्स करके देख सकता है कि भाई इंट्रोस्पेक्टिंग कंटेनर्स हैं, रन टाइम्स हैं, जो भी इनकी किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हुई भी क्या हुआ है, ठीक है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना. QBSEC है, QBSEC जो है क्योंकि हमारे पास भी क्लाउड का है और हमारा खैर अपना प्राइवेट क्लाउड है बट स्टिल इट इज अ क्लाउड, इट इज पब्लिकली अवेलेबल इन अ वे, ठीक है, नॉट कम्प्लीटली बट इन अ वे इट इज. So, you know, it's a virtualized infrastructure. So this virtual infrastructure right. is being used by multiple geographic locations, right? So jahan jahan hamare OT ke networks hain sab usse connect hote hain. So we want to make sure ki bhai humne isko securely configure kiya. So we use QBSEC, we use net assert, theek hai, CX scan, right. and review security groups. Like, you know, these are basically tools for Amazon, like, you know, because some of the infrastructure is there, there are some components in Amazon, there are some components in Azure cloud. So what we do is just like, you know, we use a very holistic approach in terms of making sure that our cloud is secure and compliant with respect to the 27001 requirement, 27017 and 27018, right? Right. One is for the cloud security, the other one is for cloud privacy. You know, so that's what we want to make sure. Yes, we don't have any PII, personally identifiable information, in most cases, but the information that we have as it regards to the proprietary information, the data, or whatever the case is, right? All those are sensitive information. So we want to make sure that we are keeping it compliant. Then for the OT side, we use CHAPS. Again, ye CHAP wo CHAP nahi hai. This is CHAPS. Right. CHAPS ka matlab hai configuration hardening assessment PowerShell script, ठीक है ना, so it's a PowerShell tool जो कि मैं आगे जाके पढ़ा रहा हूँ. और ये क्या करता है, इसकी अगर आपको PowerShell आती है तो Microsoft Security Analyzer और तमाम चीजें जो है उसको utilize करते हुए Policy Analyzer ये तमाम चीजें आपकी systems की ना check कर सकता है, so on and so forth. So these are the phenomenal tools. You have to mention some of these things to make sure कि उनको अंदाजा हो, उनको पता चले, ठीक है. पॉलिसी एनालाइजर जो है माइक्रोसॉफ्ट का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तुम लोग के पास आई एम अज्यूमिंग के लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट? एग्जैक्टली, राइट? तो फॉर द लिनक्स साइड प्रीटी मच तुम बता देना कि वी आर यूजिंग CIS टॉप 20 CIS हार्डन इमेजेस, राइट? बट फॉर द अदर साइड, यस, वी आर यूजिंग द CIS हार्डन इमेजेस बट वी आर ऑल्सो यूजिंग CHAPS फॉर एनालाइजिंग, यू नो, the policy, you know, if they are configured properly as per the policy or not, right? So that's what we are doing. Aur phir bole ki bhai, and from time to time, I do use Control Things and Sibeti. Control Things jo hai, it's a basically, and Sibeti both are simulators. So, you know, whenever we are trying to create something, and RapidScada. RapidScada jo hai, ye main abhi padhana shuru kar raha hu. So RapidScada jo hai, bada phenomenal tool hai. और इसमें तुम जो हो तमाम जो चीजें हैं अपना पूरा नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का इसमें बना के तुम टेस्ट कर सकते हो, ठीक है. चलता है ये यूनिक्स और लिनक्स और विंडोज पे है, ठीक है. तो इसमें तुम्हारी तमाम चीजें जो हैं जो तुम सोच सकते हो मतलब कहना वो कर सकते हो उसके ऊपर, राइट? पूरा अपना हार्ट और मतलब कि जो 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 भी तुम्हें सिमुलेट करना है ना, बोला कि भाई we use a combination of tools, Control Things, Sibeti, and RapidScada to simulate different scenarios and to test out different solutions, different architecture, so on and so forth. So mention this thing. Right. If he doesn't know, he will know and he will be happy. I'm assuming that they don't know.
बिकॉज़ जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा होता है तो दे डोंट डू अ लॉट ऑफ रिसर्च फॉर दिस. बिस्मिल्लाह, काम इतना ज्यादा होता है कि वो इधर तो देखते नहीं है, राइट? ठीक है, तो रैपिड स्काडा इज अ फिनोमिनल टूल. अगेन इट विल हेल्प यू डू मेनी थिंग्स इंशाल्लाह. ओके, क्या हो गया इसका स्क्रीनशॉट्स में मैं जाकर क्यों तंग कर रहा था मुझे. सो बड़ा जबरदस्त टूल है, इसमें जियोग्राफिक लोकेशन वगैरह सब नजर आती है. मॉड बस की आप ना पूरी सिमुलेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप इसके ऊपर. ठीक है, राइट. तो मेंशन दैट इंशाल्लाह, यू नो, मेंशन ऑल द टूल्स एंड नेम्ड. ये रिकॉर्डेड है, तुम जाके इसको देख सकते हो और उसके ऊपर ना वो कर लेना. ओके, नोट्स हाँ शुरू कर देना इसके ऊपर. इसके बाद जो चीज आती है, प्रोवाइड असिस्टेंस इन आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड रिजॉल्विंग, ये तो सब सही है. सपोर्ट एंड असिस्ट द अदर एक्टिविटीज लिंक्ड विद एंटरप्राइज रिस्क एंड बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, ये तो बोलना कि भाई ये तो एज आई मेंशन कि सीसेट टूल यूज करते हैं, हमारी अपनी कस्टम एक्सेल शीट्स भी हम वो भी यूज करते हैं. यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू परफॉर्म दीस थिंग्स. ठीक है, उसके बाद क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, QHSE की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, जो नकेलात, इसको किस तरह पढ़ेंगे, नकेलात, नकेलात, राइट? सो ये जो भी इनकी हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स, इनको फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना, दैट्स नॉट, ये जेनेरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हर किसी के ऊपर आएंगी. सो इफ यू सी एनी वायलेशन यू हैव टू रिपोर्ट इट, राइट? सो यहाँ पर सब चीजें अच्छी हैं. मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हें कोई मसला होगा. जो चीजें तुम्हें बताई गई हैं तुम इसको देख लो. जीरो ट्रस्ट मॉडल जरूर पढ़ना. ठीक है, right. Recently we started implementing zero trust model. It's a much finer model in terms of implementing all the things. और ये तुमसे पूछे कि भाई अगर तुम बताएं कि आप जो है ना किस तरह से इंश्योर करेंगे कि आप साइबर सिक्योरिटी और वो तमाम चीजें जो हैं OT के नेटवर्क्स किस तरह कम्युनिकेट मतलब करेंगे ऊपर वाली लेयर्स के साथ, तो बोलना भाई इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क आर्किटेक्चर. The way we deployed was basically we were using switches. If there is level zero, the level zero पे आप OT के sensors और actuators सब चीजें बैठी हैं वहाँ पर, right? आपकी PLCs and HMI are on level one. So level zero से level one अगर communication करनी है, only certain systems were allowed to communicate over there, right? And they have to go through the firewall interface, right? So firewalls, we were using firewalls interfaces as the gateways. ठीक है, that's a very effective method of having a deep packet inspection, a stateful inspection firewall, right? That's the methodology we were using. Again, every architecture is different, every organization's architectures are different, the way that they do things, there are various elements that can create complexities, there are various things that you know that can introduce issues, it all depends. So, you know, what we used to do was we used to gather together in one room and go through all the requirements and make sure that the network architecture is created in a secure and compliant fashion. So we used to provide them with our requirements. They used to and used to ensure that these requirements are followed and applicable in all the IT and OT systems. Right? Right. ठीक है, तो ये तुमने बताना है. ठीक है ना, that's it. I think that should be enough. उसके बाद क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें जो बोली हैं सब माशाल्लाह तुम्हारे पास हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है. आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट. NIST के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लेना, जो मैंने NIST का जो जिक्र किया है ना, उस कोर्स का नाम है SCADA NIST 800/82-82, राइट? NIST 800/82, ये जो स्टैंडर्ड है ना NIST का, NIST 800/82, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है. और देखोगे तो इसकी ना स्प्रेडशीट्स भी आती हैं, चेकलिस्ट भी आती है, तो मैं नजर आएंगी. ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर कंप्लाइंट भी करती हैं, तो मैं शायद मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, टेम्परेचर आ रही है, यहाँ रखे हैं लोगों ने, तो हम ये यहाँ से देख सकते हो. और ये इसका जो नया वर्जन है वो अभी भी यूज हो रहा है. सो यू कैन फाइज, यू कैन सी इंस्टेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम CRPM. Americans जो है ना वो बहुत आगे हैं इसके ऊपर. और ये CRPM की चेकलिस्ट एंड सिक्योरिटी ऑडिट प्लान्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर अपने, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम रखा है. तो NIST 800 जो है ना उसको तुम देखो, उसको मैंने पूरा रिव्यू करवाया है एंड स्टिल दिस इज वैलिड एंड इट इज एक्सेप्टेड एंड फॉलोड थ्रू, राइट? तो ये अभी भी चलता है और इसके अंदर तुम्हें वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी जिसमें उन्होंने
कंट्रोल का ओवरव्यू क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज कैसी हैं, सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट कैसे बनाया जाता है, क्या क्या फैक्टर्स को देखा जाता है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो अगर तुम एसेंशियली अगर वो कोर्स पूरा प्रॉपरली करते हो और ये डॉक्यूमेंट पढ़ते हो, तुम्हारे इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, बिकॉज इससे बाहर कोई मतलब इसमें सब चीजें हैं, आर्किटेक्चर, डीएमजी बनाना, ये करना, वो करना, नेटवर्क आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, कंट्रोल्स, तमाम का इन्होंने यहाँ जिक्र किया हुआ है, आरबीसी, वीलैन, वीपीएन, ठीक है? गालिबन इन लोगों ने जंप बॉक्स का भी इसमें जिक्र किया है, लेट मी सी, नहीं इस वाले में नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है? उसको मैनेजमेंट नेटवर्क का नाम करके ऐसा कुछ करके उन्होंने दिया है उसको सिक्योर करके ना, ठीक है? बट जंप बॉक्स आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमने नहीं पढ़ा, तुम्हें नहीं पता तो तुम पढ़ लो, ठीक है? दैट्स जंप बॉक्स नेटवर्क, और अगर मैं तुम्हें इसमें दिखाऊं तो देखो ये इस तरह से होता है कि यू enter an organization through a VPN tunnel, and then from this jump box management server you can monitor everything, right? ठीक है, so ये इस तरह से होता है. So this अगर तुम directly यहाँ से इसको मैं हटा दूँ, jump box को हटा दूँ, यहाँ से तुम VPN करो फिर direct चले जाओ, इसका मतलब है कि तुम्हारी जो IP है वो इस network पे बन जाएगी, right? Right. तो वो बहुत बड़ी safety and security का issue है. That's basically makes it uncompliant because तुम्हारा लैपटॉप अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो सब गया. लेकिन क्या करते हैं यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ बड़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगे होते हैं, टाइट मॉनिटर किया जा रहा होता है. तो अगर तुम्हारा लैपटॉप मॉनिटर भी हो, कुछ भी हो, तो वो फिर भी आरडीपी करके जा रहे हो ना, डायरेक्टली तुम्हारा नेटवर्क भी नहीं बैठ रहा, ठीक है? तो दिस इज वेरी की, दुनिया भर में अब ये इस्तेमाल हो रहा है, मैं तो उसको 2005 से इम्प्लीमेंट करता आ रहा हूँ, ठीक है? तो अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं मालूम तो यू कैन अंडरस्टैंड के कितने लोग पीछे हैं अभी भी, राइट? नॉर्मली जो ईआरपीज हैं दे आर यूजिंग दिस आर्किटेक्चर, दे कनेक्ट विद द सम सर्वर एट द एज एंड फ्रॉम दैट सर्वर दे यूज कम्युनिकेट विद द फर्दर सर्वर, यू कांट कनेक्ट टू द डायरेक्ट नोड्स ऑफ द ईआरपी. ये मतलब कि पुरानी चीज है, कोई नई चीज नहीं है, बट This is one of the things जो कि बहुत ज्यादा widely use होती है, और इससे आपका जो sales मतलब कि जो support वाला है या knock वाला है, sock वाला है, उसका laptop out of compliance, out of scope हो जाता है audits के ना, ठीक है? Yes. So ये पूरे जो box network है, आप इसको 27001 पूरा पूरा implement कर सकते हैं, right? इससे आप तुम्हारे जो चीजें हैं वो out of scope हो जाएंगी. So that's one of the ways of doing it, ठीक है? बाकी तुम्हारे उसके अंदर कोई ऐसी चीज बचती नहीं है, बाकी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, सब कुछ बताया. अच्छा, अब हम जरा उसकी बात कर लेते हैं कि तुमसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या सवालात कर सकता है, राइट? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना, उसमें मुख्तलिफ सवालात हो सकते हैं. तुमने जैसे बताया कि भाई माइक्रोसॉफ्ट की चीजें पूछ सकता है, तो मैं तुम्हें कुछ टूल्स के नाम बता देता हूँ जिसको तुम नाम ले सकते हो. सो एक तो माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल है जिसका तुम नाम ले सकते हो, एक तो मैंने तुमको बताया कि चैप्स है, ठीक है, जो स्केडा में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है? और सी सेट उसको हम यूज करते हैं, उसके अलावा हम पूमा स्कैन, सर्वरलेस स्प्रे, क्यूबी सैक, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग क्यूबरनेटीज का आर्टिकल, अगर तुम लोग कंटेनर्स यूज कर रहे हो, राइट? आर यू गाइस यूजिंग कंटेनर्स? ठीक है, तो फिर इसका नाम मत लो, नेट असर्ट ले लो. नेट असर्ट इज अ ग्रेट टूल. सी एक्स स्कैन, यू कैन यूज सी एक्स स्कैन, राइट? और रिव्यू सिक्योरिटी ग्रुप्स, दिस इज अगेन अनदर ग्रेट टूल, राइट? इसके अलावा क्लाउड के अंदर जो और चीज आती है, हाउ अबाउट देयर इन ट्यून एंड यार पर्पल क्लाउड एक टूल है, वो यूज होता है. देखो असल में अराया क्लाउड एक टूल है, टूल्स बहुत ज्यादा हैं. अगर तुम ना अजोर यूज कर रहे हो तो उसकी एक्टिव डायरेक्टरी का जो टूल है ना वो पर्पल क्लाउड यूज करते हैं. पर्पल, ठीक है, पर्पल क्लाउड, यानी कि पर्पल को उर्दू में क्या कहेंगे? बनफशी. बनफसजी तो अरबी में कहते हैं. बनफशी उर्दू में बनफशी. अच्छा, बनफसजी उर्दू में, अरबी में. अच्छा, बनफशी, शीन से, शीन. हाँ ये ठीक है, तो वो बनफशी क्लाउड, ठीक है, बनफशी आसमान, ठीक है, तो ये हो गया.
अजोर का एक और टूल है जो कि DFIR के लिए यूज होता है, डेटा फोरेंसिक्स के लिए, उसका नाम है विलॉय, विलॉयसी रैप्टर, ठीक है, VELOCIRAPTOR. So these are the tools that are widely used in the, you know, within the industry when it comes to basically finding out ke kya kya cheeze hai na, theek hai, to ye use kar lena. Mere paas ye bahut badi list hai tools ki, isme to main ye sab tools to hum log iski labs bana rahe hain abhi, itni to main zarurat nahi hai. Threat intelligence ke liye tum bata sakte ho ke, I'm not sure ki tum log kaun sa alien world jo use kar rahe ho, tum log alien world ka paid version hai ya open source? Open source. एलियन वर्ल्ड का बेसिकली ओपन सोर्स तो बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत लिमिटेड सा है. हाँ, तो तुम लोग मतलब के उसके साथ अब IBM का क्यू रडार जो है ना, क्यू रडार जो है, तुम लोग IBM का क्यू रडार यूज कर रहे हो? जी, उसको जो है ना अभी स्टार्ट. हाँ, तो फिर तुम लोग इसको बता देना कि भाई फॉर थ्रेट इंटेलिजेंस वी यूजिंग IBM क्यू रडार, बिकॉज़ दैट्स द की थिंग दैट इज वाइडली यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर तुमसे बोले कि भाई स्केडा में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं जो कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट, तो उसका तुम क्या जवाब दोगे? With respect to the security, सबसे इम्पोर्टेंट तो उसकी किसी भी स्कैडा नेटवर्क में सेफ्टी जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आप कोई भी उसमें जब बात कर रहे थे, if you are talking about vulnerability assessment or some kind of isolation, so it should be done in a way that there should not be any safety incident. But we have been communicated here through by the engineers. SCADA ke 6 areas hain jis pe sabse zyada focus hota hai. For the SCADA security prevention interaction, theek hai, ye mera apna course hai jo maine banaya. The role of threat intelligence, ठीक है, वो तुमसे जब सारे इंटरव्यू कर ले, बोलो भाई क्या ना, I mean, what do you see your role being played over here? Like, you know, what would you do? I mean, तो तुम बोलो कि भाई, how I see, how I envision things is just like, for the SCADA security to be robust and compliant, we have to emphasize on 6 areas. The role of threat intelligence. We need to understand what the threat vectors are, right? So this is where the threat intelligence comes in. The role of asset identification. If we do not know our IT and OT assets, how can we ensure that we can protect them? Right. Okay. The role of network monitoring. Again, a very phenomenal piece, a very important piece that we need to know. The role of IRM, incident response management. The incident response management team needs to follow 27,035. To make sure that they have the best practices and standards, right, and they communicate with all the departments properly. So there needs to be an open line of communication between all the departments and the IRM team. And then we have to need, number 5 is the, you know, we need to understand the dynamic nature of the threats. The threats are evolving very fast, right? There is black energy, there is stuckness, you know, there is crisis. There are so many new versions coming up. Right. The recent incident of Florida, can be mentioned? Huh, you can mention that, you know, what mentioned recently. I mean, for the state and the non-state actors, attacking SCADA industry is a big business, right? Imagine a ransomware attacking our network and crippling everything. And that ransomware is able to perform lateral movements and vertical movements and is penetrated to the core of the backups and everything. What will happen? You know, how are we really, you know, are we really ready to deal these kind of things? You know, we have to do the, so understanding the dynamic nature of threats is number 5. And then number 6, the last one, which is the key, which many organizations have started their journey towards looking, is the role of data science and AI in creating a robust dynamic security program. So, you know, we gather the role of threat intelligence, we bring in the role of asset identification, we bring in the role of network monitoring, we bring in the role of IRM, we understand and bring our research in terms of dynamic nature of threats, and we combine all these 5 elements and feed them into data science and machine learning and AI. That is like creating the next level of augmented security within the organization, where
we will be able to perform predictive analytics and whatnot, and you know, and create a proactive security approach rather than, you know, a detect like a reactive security approach, right? So these are the key things you have to mention. So if you mention that, inshallah, your interview is sealed. Rest is in the hands of Allah. मैंने कहा ना मैं अपने जो पढ़ाता हूँ पॉलिटिक्स को, I can only take you there, but then at the end of the day, it is up to Allah where you will go or where you will end up. Right? ठीक है? इसको मैं ये कह सकता हूँ. ठीक है? तो बस जज़ाकअल्लाह खैर. तुम जाओ. One last thing. With most of the organization are concerned about and ask in the interview, okay, what you are doing, what would be your strategy against the ransomware? If you, like you have mentioned earlier that if our backups are exposed to somehow to the ransomware and our main infrastructure is exposed to ransomware, so what should be the strategy? What would be your plan? So maine jo panch elements bataye, the role of threat intelligence. What is exactly? Do you know what is threat intelligence? You gather threat. The role of threat intelligence as per the organization is you gather intelligence against your own organization, what threats you're facing. So you monitor and chatter, you have a red team, and you know what they do is they go out. This is where the digital forensics and threat hunting DFTH team comes in. What they do is like they go out on the dark cloud, dark web, etc., etc. They gather threat ke bhai. Nakilat or shipping industry threats, what is happening? You know, you try to hear kya ho kya hai, right? This is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na jasoos bhejte the ke jao bhai, malum kar kya ho ke aage kya ho raha, right? So this is threat intelligence. You gather intelligence against your own organization. You don't want to do ki kya ho raha. You want to see ke bhai SCADA industry mein ya kahin par bhi any forums where Qatar is mentioned or Saudi is mentioned or on any of these UAEs mentioned, what is happening there? Shipping, manufacturing, what is happening there? What, you know, Modbus, Siemens ka ye falana falana ye mil gaya mujhe, aur mujhe ye wo mil gayi hai. Hamara ye HMI PLC. This is what they do. They try to gather intelligence using OSINT and multiple other frameworks, right? To find out what exactly is happening. Then the role of asset identification. If you don't know what our assets are, how can we protect them from ransomware and all those things? Right? The role of network monitoring. The network should be intelligent enough and there should be enough processes, procedures, and the technological solutions to understand what is happening within the organization. Aisa na ho ke ransomware ja raha hai, aaram se jaake multiple ho ke phailta chala ja raha hai. Phir ekdam se activate hua, sab jagah khatam band kar diya. Theek hai? So you need to understand that. The role of IRM, incident response management. These guys are the ones who go and they perform incidents, they keep an eye. Zameen pe kaan rakhe baithe hote hain ki awaaz aaye kisi ke kadmon ki kya hua kya nahi hua, right? And the and we need to understand the dynamic nature of it. This is an ongoing thing. There is no one single solution. There is no silver bullet to take down, you know, ransomware or any of these advanced persistence. They are known as advanced persistent threats. No, persistent threats, APT. They are APTs. What does APT really mean? They are, you know, essentially, अगर तुम उसको अंदर underlying देखोगे APT को, अगर तुम stuckness को खोल के देखो या black energy को खोल के देखो या तुम जितने भी trusts को खोल के देखो, you know what they do? जो common vulnerabilities होती हैं, इसको exploit करते हैं. So if you follow CIS top 20 controls, if you follow ISO 27001 controls, if you follow all the best practices of the CISA group, you know, the cyber security infrastructure security agency of the US, if you follow ENISA, if you combine them, you know, create a unified framework and follow that framework, then I can give you some degree of assurance that we will be able to protect them. And even if there is a penetration, we can limit that penetration. But this is an ongoing exercise. Yes, if you're asking me what happens if there's a ransomware attack, you know, like if the SIEM guys are doing their job properly, the security information event monitoring, because kahin par bhi koi cheez install hoti hai to uska signature change hota hai na, right? Obviously. Theek hai, jab signature change hota hai to file integrity monitoring kya karti hai? Do you have, guys have file integrity monitoring solution? Alerts ke bhai ye DLL files add ho gayi hai, ye falana add ho gaya, ye add ho gaya, ye install ho gaya, theek hai? To SIEM walon ke paas alert aata hai, they have to see. This is where I'm saying ke if we do all these five activities and then the sixth element is basically
the role of machine learning in AI. Right. If you automate and use the, you know, the data, the power of data science at our advantage, we will be able to proactively manage these things. Rather than being reactive, you'll be proactive. Correct. Right? So there is no silver bullet to tackle all of these things. No, it's a team approach. There are different departments who have to play their role, but at the end of the day, we have to feed all the data from threat intelligence, from incident response management team, from network monitoring teams, from asset identification teams, the GRC guys and everyone. And then, we need to make sure that we have a DFH, digital forensic and threat hunting team. And then we feed all that data into the machine learning and the data and the AI, yeah. Right? This is where they play an important role. I'm sure that as part of the cybersecurity agent, strategy, by the CIO or by the CISO of this organization, you guys may have, considered doing this thing. Then there's also an insider threat element. So there are solutions like this, like Darktrace, excellent solution. There's Observe IT. There are multiple solutions that we can implement, right? But these are all preventive and detective solutions. That's what we need, right? Sometimes they work, sometimes they don't, because the bad guys, the state and the non-state actors, they keep on updating themselves. They're getting smart, so we have to be smarter, right? Right. Right. And whoever is the smartest, trumps the other. Will. Right? Yeah. Yeah. Right. So this is where we have to come in. So you have to be very creative in answering your question. Okay. And then inshallah, you'll be able to secure it inshallah. Right. As far as the salary is concerned and all those things, don't sell yourself short. Right. Right. Remember, they are looking for a good candidate. So don't sell yourself short. Say, bhai, haan, 40,000, 50,000, between 45 to, I'm looking at 45 to 60, something like that. And this is where I'll be happy because, I'm doing multiple things and, I'm a fully, I'm an experienced guy. I'm working on multiple projects. And do mention kar do, ke I'm working, with a teacher of mine who is from MIT and Stanford in creating a cybersecurity solution for SCADA industry, which is based on machine learning and AI. I see that's where the future is going towards. So we need to make sure that we deploy something like that so that we are more proactive, rather than being reactive. You mentioned kar do, bolo haan, main kaam kar raha hu, under my mentor who's from, Stanford and MIT, mera naam le lo, theek hai? Naam matlab ki bolo MIT Stanford ka ek alumni hai, उसका इंडस्ट्री में बहुत एक्सपीरियंस है मैं उसके साथ काम कर रहा हूं उसके साथ मैं इस पे मेरा काम हो रहा है एंड इफ दे कॉल मी आई कैन सर्टेनली वाउच फॉर यू मैं बता सकता हूं हां भाई खालिद बिन वली तुम्हारे साथ ठीक है और राइट इंशाल्लाह दैट्स इट बाकी बट डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट अपने आप को बिल्कुल नीचे नहीं रखना ठीक है राइट चलो ठीक है ना मैं इसको पोस्ट कर देता हूं बाकी अल्लाह का नाम लेके जाओ करो अल्लाह खैर के मामला फरमाए आसानी के मामला फरमाए इंशाल्लाह पे बातचीत होगी ठीक है इंशाल्लाह जजाकुमुल्लाह बारकुल्लाह जजाकुमुल्लाह वालेकुम अस्सलाम